नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में स्तब्ध और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। वृंदावन के गोपीनाथ बाजार स्थित एक कोचिंग सेंटर संचालक ने कोचिंग पर पढ़ने आने वाली एक छात्रा को गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित छात्रा की एक वीडियो भी बना लिया और उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाने लगा। उसने अपने साथियों को भी इसमें शामिल किया। वह अत्याचार से अजीज आई छात्रा आत्महत्या का भी प्रयास कर चुकी थी। पीड़िता ने थाना कोतवाली वृंदावन में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पीड़िता ने कोचिंग संचालक अभिषेक सक्सेना, राहुल शर्मा, एक अभियुक्ता रामानुजाचार्य, हीरा लाल और उदय ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही और साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वो कोचिंग का नाम है सक्सेना कॉमर्स क्लासेस। कहाँ पर है ये क्या कहते हैं, गोपेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर है। इसका मालिक कौन है? इसका अभिषेक सक्सेना। और इसके साथ और कौन कौन है? ये लोग एक गैंग की तरह लड़कियों को यूज करते हैं। कौन है इस गैंग में? इस गैंग में क्या कहते हैं, 5-6 लोग हैं, जैसे अभिषेक सक्सेना सर हो गए, उसके बाद क्या कहते हैं, राहुल, कृष्णा, कृष्णा अग्रवाल, कृष्णा ठाकुर, अनिरुद्ध, अनुभव, ये सब लोग हैं। जो ये लोग मतलब कि आपस में ऐसे मतलब वो करते हैं कि लड़कियों को अपने उसमें फंसा लेते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत नशा देना शुरू करते हैं। उसके बाद लड़कों का वो करते हैं कि लड़कों से फ्रेंडशिप करो, उनके साथ जाओ। तो नशा कैसे कराते हैं, कैसे, क्या तरीका है नशा कराने का इनका? ये टिक्की में अल्कोहल देते हैं। कैसी टिक्की में? पानी बताशे होते हैं ना। हाँ। वो और क्या कहते हैं, हुक्का होता है, उसमें पता नहीं कौन सा फ्लेवर या कॉइल डालते हैं, फ्लेवर वगैरह ये सब चीज़। सिगरेट भी देते हैं क्या? सिगरेट भी देते हैं। तो क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसने किया वो बताओ सारी बात। मेरे को स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, अभिषेक सक्सेना सर ने स्टार्टिंग में मुझसे बात की कि आप लड़के से फ्रेंडशिप कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को वो होने लगा, अगर लड़का करता है तो मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा नशा करने लगी फिर साथ में। फिर वो अभिषेक सक्सेना सर मतलब और सब फिर बोलते हैं होटल में जाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो तुम होटल में भी गई इनके साथ? कौन से होटल में गई? श्री जी होटल कहाँ पर है? ये प्रेम मंदिर के पास है। तो दिन में गई या रात में? दिन में। और भी लड़कियाँ जाती हैं? पता नहीं वो मुझे, पर तुमने बताया कि कोई और 2 लड़कियां थी पहले जिनसे बहुत झगड़ा हुआ मतलब था। मतलब झगड़ा करके एक ना, मतलब 2 लड़कियां थी, वो मतलब सबके सामने एक लड़की बोल रही थी कि आपने मेरे को मैसेज किया था गलत टच वच करने का, ये वो। अभिषेक सर ने खुद किया है उस लड़की को। तुम्हारे साथ किसने किया, फिजिकल रिलेशन किसने बनाया तुम्हारे साथ, जबरदस्ती किसने की वो बताओ? राहुल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 17 साल की है। बेटा राहुल कौन है ये बताइए? राहुल शर्मा वृंदावन में केसी घाट के पास रहता है। ये सक्सेना जी का कौन लगता है? सक्सेना जी के पास स्टूडेंट है, ये बड़े बड़े लड़कों को अपने पास बैठाते हैं। और पता नहीं शायद इन लोगों ने मतलब लड़कियों को भी ऐसे जो वो होती हैं मतलब उनके हिसाब से उनको फंसाते हैं, फिर उसके बाद पैसे लेते हैं। आपको होटल में कब ले गए? ये है, कितनी तारीख को ले गए? मेरे को ले गए थे 2-3 बार पहले भी ले जा चुके थे। और क्या कहते हैं, 4 तारीख को जब मैं, मेरे को बोला गया था कि घर से आप निकल जाओ, मैं निकली घर से क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग मेरी वीडियो मेरे पेरेंट्स को ना दिखाते। तुम्हारी वीडियो बना रखी है इन्होंने? हाँ। कैसे बना ली वीडियो? इन्होंने नशे में बना ली मेरी वीडियो। तो कैसी वीडियो है, तुम्हें कुछ आइडिया है, कुछ ध्यान है तुम्हें? मुझे हल्का हल्का सा ध्यान है कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ, उसके बाद कपड़े वपड़े उतारे हैं तुमने? हाँ, कुछ अजीब सा है। 4 तारीख को ले गए, उसके बाद कब ले गए तुम? 4 तारीख के बाद फिर जब उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं छोड़ दिया, तो फिर मैं वापस से कॉल कर रही थी, मैं सॉरी बोल रही थी। उन लोगों ने मेरे को बहुत सारी धमकियां दी थी। कैसी धमकियां?
कि किसी को बताना मत कहाँ थी क्या कर रही थी, मतलब आपके पेरेंट्स को बताएंगे ये सब। तुमको जान से मारने की धमकी भी दी थी क्या? हाँ मेरे को दी थी, तभी फिर 20 तारीख को मेरे को फिर से बुलाया था। कहाँ बुलाया था? यानी कि 19 तारीख की रात को। कहाँ गई थी उसके साथ? उन्होंने बोला था कि आप सीधे राहुल के घर पहुँचिए, अपना बैग पैक कर लेना वरना आपके माता पिता को हम वो करवा देंगे। ये फोन किसका आया था? मरवा देंगे, राहुल का आया था। राहुल का माँ बाप को मरवा देंगे? हाँ मेरे को खुद मतलब बोला जाता था कि कॉल करने के लिए। फिर तुम कहाँ गई रात को? फिर मैं रात को क्या कहते हैं अपने घर से 12:30 बजे करीब निकली। उसके बाद फिर कारे बाबू हॉस्पिटल से होते हुए उसके घर पहुंची। घर? अच्छा, कैसी घाट पर? दिन में या रात में बेटा? रात में। ठीक, फिर रात में। फिर जब मैं उसके घर पहुंची उसके बाद फिर उसने मेरे साथ फिर से गलत किया। फिर उसके घर में और कोई लोग नहीं है? उसके घर में थे तो उसके माता पिता अंदर सो, मतलब मम्मी तो थी नहीं, वो बाहर गई हुई थी। उसके दादा और पापा थे और उनकी दीदी थी। दादा उसके वही है क्या जिनको तुम फोन कर रही थी? वो क्या कहते हैं आपसे? दादा क्या कह रहे हैं फोन पे? दादा कह रहे थे मेरे से फोन पे कि तुम कोई बड़ी वो नहीं हो, हम योगी को लाके खड़ा कर देंगे, तुमको बेइज्जती करवा देंगे, तुम्हारे फैमिली वालों को बेइज्जती करवा देंगे, हमारा लड़का कुछ नहीं कर रहा। ये बाबा क्या है, उसके महाराजा या क्या है? बाबा उसके बोल मतलब प्रॉपर्टी डीलर है।